ओके बाइक स्टार्ट हो गया राइट। अब मैं क्या करता हूँ बाइक को फर्स्ट गियर में, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसका नाम है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, और बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाओ और हमें इसका इन्फॉर्मेशन दो। स्टार्ट करते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक क्या होता है उससे। तो जैसे इसका नाम है ग्लाइड, तो ये क्या होता है कि जब भी आप बाइक चलाते हो ट्रैफिक में तो आपको एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अब सिर्फ क्लच स्लोली स्लोली छोड़ सकते हो जिसके वजह से आपका गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाता है। और यस ये चीज़ नॉर्मली सिर्फ फर्स्ट गियर पे नहीं होता है, ये सेकंड और थर्ड गियर में भी होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी है कि आप यहाँ से क्लच छोड़ना स्टार्ट करते हो आपका बाइक झटका मार के बंद हो जाता है। तो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है कि जो क्लच होता है वो स्लोली स्लोली एंगेज करना स्टार्ट होता है विद द इंजन, और जिसके वजह से आप स्लोली आगे बढ़ना स्टार्ट होता हो विदाउट एनी झटका। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें आप कुछ गियर तक कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक थर्ड सेकेंड गियर तक आप जा सकते हो इजीली। अपाची 160 और अपाची 200 इन दोनों के अंदर ये है। इसके अलावा जिक्सर के अंदर भी था जैसे मैंने आपको बताया था, और सेम चीज़ यही मेरे डोमिनार के अंदर भी है। तो आपके डेमोंस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ अच्छा रहेगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार करके बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई न्यू चैनल प्रकाश पंचाल, और वहाँ पर मैं व्लॉग्स अपलोड करता हूँ और ट्राई करूँगा कि कुछ अलग तरीके के ट्यूटोरियल्स भी वहाँ पर मैं डाल सकूँ। थैंक यू सो मच। ये बाइक स्टार्ट हो गया राइट। अब मैं क्या करता हूँ बाइक को फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन नहीं दूंगा, आप ध्यान से देखना, मैं स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना स्टार्ट करूँगा, मेरा बाइक बिना बंद हुए आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है राइट। तो ऐसे करने के बाद आपने क्लच छोड़ दिया तो आपका बाइक इजीली मूव होते रहेगा, बंद नहीं होगा। लाइक अगर मैं थोड़ा सा स्लो भी कर दूँ तो इजीली फिर से वापस वो एक स्पीड पे आ जाएगा। फिर से मैं स्लो करता हूँ, देख लो एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, फिर से वो एक नॉर्मल स्पीड पे आ जा रहा है। इसी चीज़ को बोलते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। अगेन मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा वो स्लाइड वाला एरिया था, यहाँ पे अभी हम लोग थोड़े से सरफेस लेवल पे है। तो देखो जैसे जैसे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ स्लो स्लो, हाँ विदाउट एक्सेलरेशन देख रहे हो, स्लो स्लो क्लच छोड़ रहा हूँ तो बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है। तो मुझे एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो स्लो मूविंग ट्रैफिक में ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक इसको आप बिना सेकेंड थर्ड गियर पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, तो वही सेम सिचुएशन है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे गियर शिफ्ट करना है, दिख रहा है, और क्लच स्लो 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 छोड़ना है। तो जैसे आप क्लच स्लो स्लो छोड़ते रहोगे बाइक बिना बंद हुए एक स्पीड में चला जाएगा, और आप यहाँ पे दिख रहा है मैंने क्लच प्रेस करके रखा है तो इसके वजह से मूव हो रहा है। इवन ये अप हाइल एरिया है तो यहाँ पर भी मूव हो रहा है। तो सोचो कि जब भी आप ट्रैफिक में हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट कितना फीचर है जब आपको आगे बढ़ना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लच प्रेस करके रखते एक्सेलरेशन देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनका क्लच प्लेस डैमेज हो जाता है। लेकिन जब आप ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक से होगे तो आप इजीली निकल जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्लच जितना आप ज़्यादा छोड़ोगे स्लो स्लो आपका बाइक का स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पे मैं क्लच को एक सही तरीके से एंगेज करके रखता हूँ, दिख रहा है ये इवन आप फील होने के बावजूद भी मेरा बाइक बंद नहीं हो रहा है, स्लो स्लो ईजिली मूव हो रहा है। पावरफुल बाइक्स में ये फीचर देने का रीज़न एक था कि जब भी पावरफुल बाइक्स होते हैं तो उनको बार बार क्लच एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन देने से क्या होता है कि उनको ज़्यादा पावर मिल जाता है, तो जिसके वजह से आप ट्रैफिक में सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, ब्रेक्स बहुत बार प्रेस करने पड़ते हैं, आपका हाथ दुखने लग जाता है। तो इस सिनेरियो में आपका ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक वाला फंडा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे एक और चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपका क्लच जो कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी वेयर आउट हो जाता है, वो नहीं होगा और आप ईजिली आगे बढ़ सकते हो। तो वही सेम सिचुएशन में आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं इसको थर्ड गियर पर शिफ्ट कर देता, दिख रहा है विदाउट एक्सेलरेशन गाड़ी जा रहा है आगे बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड तक चला जाएगा थर्ड गियर में, फिर उसके बाद नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा कि ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रैफिक में ग्लाइड करने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन यूज किए। बहुत सारे लोग ये करते हैं, बिगिनर्स लोग मोस्टली, या फिर जिनको बाइक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो लोग हाफ क्लच देकर एक्सेलरेशन देते रहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा देने के लिए ठीक है, लेकिन कंटिन्यू देते रहोगे आप ऐसा तो क्लच प्लेट गर्म होकर क्लच प्लेट जल जाता है। तो वैसा नहीं होने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे आपका क्लच है वो उसको नुकसान नहीं होगा, उसका लाइफ बढ़ जाएगा। दूसरा आपको आपका एक्सेलरेशन वाला हाथ आराम से रहेगा तो आप इजीली रिलैक्स कर सकते हो। जब आपको हाईवे पे चलाना रहता है तभी आप उसको अगेन, या फिर आगे जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा तभी आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, क्लच वाला हाथ को रेस्ट दे सकते हो। और लाइक बाइक आपका बंद नहीं होगा तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो मेरे हिसाब से इतना ही। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कम लगा है तो आप नीचे कमेंट करके टाइप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ डू लाइक।
राइड गाइड, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, राइड सेफ एंड बी सेफ।